फिर से नमस्कार एवरीवन। तो आज अपने चैनल बजट होम डेकोर में मैं प्लांटिंग के बारे में बात कर रही हूँ। स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट आप देख रहे होंगे, टर्टल वाइन इसको बोलते हैं। आज पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्रीपिंग प्लांट है ये, बहुत ही लो मेंटेनेंस और बजट फ्रेंडली है। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे चैनल का मेन मोटो है डेकोरेशन और गार्डनिंग, लेकिन बजट फ्रेंडली, ज्यादा महंगा नहीं, पॉकेट में आपके होना चाहिए, पॉकेट से ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आज ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी उन्हीं में से एक प्लांट है जिसपे आपको ज्यादा मनी और ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सस्ता ये आता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इसके बारे में मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगी। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखते हैं तो आपने उनमें देखा होगा, एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। नर्सरी में गई थी तो वहां मुझे ये प्लांट दिखा था, जिसमें बीच बीच में नॉट थी। तो मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ, ये कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं इस प्लांट को लेके आई। इतनी सी छोटी सी कटिंग से भी इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी मैंने छोटी सी कटिंग काट के इसको इसी के पॉट में लगा दिया, अब ये यहाँ से दोबारा ग्रो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं से कटिंग मिल रही है तो कटिंग लाके आप इसको ग्रो कर सकते हैं, प्रोपगेट बहुत इजीली हो जाता है। मैंने भी नर्सरी से सिर्फ 10 रुपीज़ में 2 या 3 बेल ली थी, और अब आप देखिए मेरे पास अराउंड 6 to 7 बड़े बड़े प्लांट्स में ये लगा हुआ है। बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो ये प्लांट है, इंडोर आउटडोर दोनों चलता है, लेकिन इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। तो इसको धूप 1 या 1 घंटे की बहुत होती है। अगर आप इसे धूप में रख रहे हैं, अगर आप इसे ऐसी किसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे धूप आती ही है, तो आप उसे 1 या 2 घंटे की धूप दें। कटिंग अगर आप 1 इंच की भी लगाएं तो उसमें से नीचे से जो पत्ते हैं वो हटा दें, उसके बाद जो स्टिक बचती है उसको आप लगा दें, और बहुत ही ईजी के लिए उग जाएगा, प्रोपगेट हो जाएगा कटिंग के थ्रू। साथ ही जैसे मैंने बताया आपको कि इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप दे ही रहे हैं तो 1 या 2 घंटे की धूप बहुत होती है इसके लिए। ये शेडी प्लांट है, इसको शेड ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा और ग्रीन भी अच्छा रहेगा ये। अगर आप इसे ज़्यादा धूप में रख रहे हैं तो इसके जो पूरे लीव्स हैं वो ब्राउन पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, धूप में रखने से पूरा ख़राब हो जाएगा। अब रही पानी की बात, तो पानी भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इसको आप 4 से 5 दिन में थोड़ा सा पानी दे दीजिए, इसके लिए बहुत होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमेशा मैं अपने चैनल पर बताती हूँ, ऐसे प्लांट्स जो लो मेंटेनेंस हो और बजट फ्रेंडली हो। तो इसको मैंने इंडोर भी रखती हूँ और आउटडोर भी रखती हूँ। आउटडोर मैं इसको कभी कभी 1 या 2 घंटे की धूप लगाने के लिए इसको बाहर रख देती हूँ, अदरवाइज मोस्टली मैं इसे इंडोर ही रखती हूँ। इंडोर और डेकोरेशन में भी बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे भी देख ही रहे होंगे, मैंने घर में इसे लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में लगाया है। इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना ही है तो 15 दिन में आप NPK दे सकते हैं। 1 लीटर बॉटल में पानी में आप इसको 1/2 चम्मच NPK डाल के दे सकते हैं। वैसे इसको ज़्यादा खास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसे ज़्यादा ठंडे इलाके में रहने वाले हैं और ठंडे इलाके में अगर आप इसे ग्रो कर रहे हैं तो ये अच्छे से ग्रो नहीं होगा, या फिर जिस एरिया में सर्दियों के सीज़न में अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसे ज़्यादा ठंड भी पसंद नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है। तो इस प्लांट को आप शेड में रखें, शेडी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट हो जाता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी आप 1 हफ्ते में या 4 दिन दें तो भी ये चल जाता है। तो आज एक और ये प्लांट मैं लेके आई हूँ जो लो मेंटेनेंस और बजट फ्रेंडली है, टर्टल वाइन इसको बोलते हैं। तो इसको भी आप अपने घर में ला सकते हैं, डेकोरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और प्लांटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में ये, और उगने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप लेना चाहें घर में तो ये प्लांट ला सकते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो टर्टल वाइन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।